हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम बात करते हैं प्रदूषण से संबंधित एडिटोरियल पे। अभी जो दिल्ली में छाया हुआ है उसी पे आधारित है, उसी से संबंधित है। इंसानी स्वार्थ की भेंट चढ़ता पर्यावरण, इसके संपादक हैं भवदीप कांग, ये लेखिका हैं, वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार हैं। इन दिनों उत्तर भारत के अनेक शहर धुंध की चपेट में है, चाहे दिल्ली NCR हो या फिर हरियाणा का हिस्सा सिरसा, पंजाब का जालंधर या उत्तर प्रदेश का लखनऊ, इनमें रहने वाले लोगों का दम घुट रहा है। उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में किसानों द्वारा रवि सीजन की बुआई से पूर्व अपने खेतों की सफाई के लिए पराली जलाने से उठे धुएं ने इन शहरों को कंबल की तरह ढक लिया। इस त्रासद स्थिति में शहरवासियों को समझ में आ रहा है कि भारतीय कृषि में कितनी गंभीर समस्याएं हैं। वास्तव में यह समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत की नहीं है, बल्कि कहें कि 2019 में दुनिया को प्रभावित करने वाली बड़ी आगजनी की घटनाएं और उनसे उपजे धुएं के बादलों की जड़ में कहीं ना कहीं कृषि का जुड़ाव रहा है। इस साल भारत दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में जो बड़ी आग लगी, उनसे उठते धुएं को अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों से भी देखा जा सकता है। इस साल की शुरुआत में आर्कटिक क्षेत्र के ग्रीनलैंड, साइबेरिया, अलास्का में घटित आगजनी की घटनाएं तो प्राकृतिक वजहों से हुई, लेकिन कई बार जंगलों में इसलिए भी आग लगा दी जाती है ताकि पेड़ों का सफाया कर वहाँ की ज़मीन को इंसानी ज़रूरतों के अनुरूप बनाया जा सके। खेती के लिए जगह बनाने हेतु ठूंठ या खरपतवार को जलाना कोई नई बात नहीं है, सदियों से दुनिया भर में किसानों द्वारा ऐसा किया जाता रहा है। अतीत में जब आबादी कम थी, जमीन की आसान उपलब्धता थी, प्रदूषण भी कम था, तब इस तरह की कृषि तकनीक की समस्याएं नहीं होती थी। आज जब जमीन घट गई, आबादी की अधिकता है और कृषि औद्योगिक हो गई, तब ये प्रक्रियाएँ वाहनीय नहीं रहीं, लेकिन दुखद रूप से इंसानी स्वास्थ्य और पर्यावरण की फिक्र किए बगैर किसान अब भी पराली और जंगल जला रहे हैं। इसका नतीजा दुनिया के अनेक हिस्सों में आकाश में छाई धुंध है। जून जुलाई 2019 में आर्कटिक क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में आग भड़की, जिसे काफ़ी मशक्क़त के बाद बुझाया जा सका। ब्राज़ील में तो सितंबर तक आग की लपटें उठती रहीं। इंडोनेशिया का आकाश भी आग की लपटों से लाल हुआ। अक्टूबर में भारत की बारी आई। अमेजन, इंडोनेशिया और भारत में उठी आग की लपटों में एक बात कॉमन है कि इसकी शुरुआत किसानों की वजह से हुई है। ब्राज़ील में, जहां की अमेजन वर्षा वनों का 60% हिस्सा है, किसान सोयाबीन की उपज के लिए जमीन चाह रहे थे। इंडोनेशिया में मुख्य ऑयल पाम की पैदावार की खातिर ऐसा किया गया। भारत में धान की पराली को जलाया गया ताकि खेतों में रवि सीजन की प्रमुख फसल गेहूं जल्द बुआई की जा सके। गेहूं की अफसोस की बात है कि जंगल की आग या पराली दहन के प्रति जनता का रिस्पांस भी अस्थिर है। दिल्ली में लोगों ने वायु प्रदूषण के खिलाफ तब सड़कों पर प्रदर्शन किया जब लगातार कई दिनों तक हवा की गुणवत्ता सुरक्षित स्तर से 4 गुना तक ज़्यादा खराब पाई गई। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत बारिश हो जाए और हवा की गुणवत्ता में सुधार हो कि लोग इसे अगले सीजन तक के लिए भूल जाते हैं। अगस्त में जब अमेजन के जंगलों में आग लगी थी तो दुनिया के बाकी हिस्से के ज़्यादातर लोगों ने इसे दक्षिण अमेरिका की समस्या के तौर पर ही देखा था, जबकि वास्तव में इसे पूरा विश्व प्रभावित हो रहा था। चूंकि अमेजन हमारी इस धरती का सबसे बड़ा कार्बन शोषक है, इसके बगैर जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कहीं अधिक होता है। इस मामले में सरकार का रिस्पांस तो है और भी असंतोषजनक है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेर बोल्सानारो ने अमेजन की आग को ठूंठ जलाने का नतीजा बताया। हालांकि विशेषज्ञों का यही कहना था कि ये आग
सिर्फ फसलों के अवशेष जलाने की वजह से नहीं लगी, बल्कि जंगलों को इसलिए भी आग लगाई गई ताकि खेती के लिए जमीन मिल सके। ब्राज़ील के अलावा 7 अन्य देशों को कवर करने वाले समूचे वर्षावन क्षेत्रों में 80,000 से ज़्यादा जगहों पर आग लग चुकी थी। इस तरह सुमात्रा द्वीप पर करीब 2,000 जगहों पर लगी आग से उठे धुएं के गुबार ने इंडोनेशिया का दम घुट गया। यह आग इतनी भयावह थी कि सिंगापुर के आसमान तक इसका गुबार छा गया। स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिहाज से आपात स्थिति पैदा हो गई। कहीं कहा यही जाता है कि वहाँ ऐसी आगजनियों के लिए के जरिए ऑयल पाम टी के प्लांटेशन हेतु जंगल साफ किए जा रहे हैं। इंडोनेशियाई द्वीपों पर 2001 से लेकर अब तक करीब 2,60,00,000 हेक्टर जंगलों की तबाह किया जा चुका है। भारत की बात करें तो उत्तर भारत में छाई धुंध के लिए मुख्यतः पंजाब हरियाणा यूपी में किसानों द्वारा पराली जलाने को जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो इसका दोष केंद्र के सिर मर दिया। राज्य के किसानों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 1,700 करोड़ रुपए की मांग रख दी ताकि उन्हें फसलों के अवशेष जलाने के बजाय हाथ या मशीन से हटाने के लिए प्रेरित किया जा सके। फसल अवशेषों को यंत्रों के जरिए हटाने और नई फसल की बुआई के लिए सरकार को वेलर मल्चर और हैप्री सीडर्स जैसे यंत्र उपलब्ध कराने चाहिए। हालांकि इस समस्या से निपटने हेतु सब्सिडी और तकनीकों पर आधारित समाधान सफल नहीं होंगे। देखा जाए तो यह समस्या मुख्यतः तकनीक की वजह से ही उपजी है। कंबाइंड हार्वेस्टर के इस्तेमाल की वजह से फसलों के कई इंच लंबे अवशेष खेत में छूट जाते हैं। इन्हें हाथ से हटाने उखाड़ने में श्रम व समय दोनों लगता है, लिहाजा किसान इसे जलाना ही ठीक समझते हैं। जहाँ जहाँ कंबाइंड हार्वेस्टर पहुँच रहे हैं वहाँ वहाँ यह बीमारी भी पहुँचती जा रही है। वहरहाल खासकर पंजाब जैसे राज्यों में धान की बुआई कटाई का समय 2 माह तक आगे खिसक जाने को भी प्रदूषण की एक वजह बताया जा रहा है। यदि बुआई कटाई पहले हो जाती तो हवा की दिशा कुछ इस तरह की होती जिससे पराली का धुआं दिल्ली NCR को प्रभावित नहीं करता। ऐसी चर्चाएं हैं कि देरी से बुआई का फैसला बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों के दबाव में लिया गया जो चाहती थी कि किसान देर से पकने वाली उनकी किस्मों का इस्तेमाल करें। यदि बुआई पहले की तरह अप्रैल मई में हो जाए तो प्रदूषण की वैसी समस्या नहीं होगी। हालांकि यह समस्या का अधूरा समाधान है चूँकि इससे पराली दहन तो नहीं रुकेगा। लोगों की सोच में बदलाव और इस समस्या के प्रति व्यापक जागरूकता के बगैर स्थायी समाधान मिलना मुश्किल है। आज जमीन एक कमोडिटी बन गई जिसे खरीदा बेचा जाता है। किसानों का अपनी जमीन और समुदाय से पहले जैसा जुड़ाव नहीं रहा। वह संकीर्ण स्वार्थ के लिहाज से सोचता है और उसका यह नज़रिया हमारी सरकारों की वजह से ही बना है जो कृषि में पूंजीवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देती है। आर्थिक व राजनीतिक हितों की खातिर ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। नतीजा यह है कि विभिन्न देश उनके किसान हमारे इस धारा के रखवाले होने के बजाय इसके शोषक की वार्ताव करने लगे हैं। तो चलिए, यह था हमारा प्रदूषण से संबंधित और उसकी समस्याओं से संबंधित।